चुप चुप करके ऐसा बिल बना देता है और मिडनाइट में ऐसा कुछ कर देता है कि देशवासियों को पता भी नहीं चलते हैं। आप पहले महाराष्ट्र में देखा था ना, मिडनाइट में गर्मन बना दिया था। ऐसा देखो, ये बिल भी किसी को वक्त नहीं दिया है, सोचने का वक्त भी नहीं किया है। इतना इंपॉर्टेंट बिल है, मिडनाइट में पास करा दिया, मेजोरिटी है। लेकिन अगर सीए भी इतना अच्छा है, मेरे को बुरा माने मत, मैं फिर कहने चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी आपने वोट क्यों नहीं डाला? आपका में आपका जो बिल है कैब, आपने तो वो दिन पार्लियामेंट में थे, लेकिन जब आपने वोट नहीं डाला तो मेरे को एक अंदाजा है कि आप भी इसको सपोर्ट नहीं करते। अगर नहीं सपोर्ट करते तो इसको बतिल कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। क्या है ये देश में? देखो, प्याज का भाव 200 रुपया है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बंद हो गया है, रुपया का कमती कम हो गया है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, खाली सब कुछ छुपाने के लिए। छुपा रुस्तम का माफिक एक बिल ले आता है और जो भी आवाज तुलता है उसको एंटी नेशनल बोल देता है। हम एक देश का सिटीजन है, हम आजादी का लड़ाई का बाद जो देश को नागरिक बना, देश को सिटीजन बना, 70 साल में 73 साल में आजादी का बाद हर आदमी ने वोट डाला। इसका बाद कितना गवर्नमेंट तैयार हुआ, कितना गवर्नमेंट चला गया। आप लोग भी आज बीजेपी गवर्नमेंट में हो तो आपका वोट में है, हमारा वोट में है। हम नहीं दिया लेकिन कोई कोई दिया इसी के लिए। और आज आप कहते हैं कि वो नागरिक नहीं है, वो सिटीजन नहीं है, वो सब खुश बैठिया है, सबको खुश बैठिया देखता है। आप पूछिए आप लोग क्या है? आजादी हुआ था 47 साल में, आपका पार्टी का जन्म कब हुआ था? 1980 में। आप आजादी में नहीं थे, आप गांधी जी का साथ नहीं थे, आप नेताजी का साथ नहीं थे, आप वल्लभ भाई पटेल का साथ नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद का साथ नहीं थे, अम्बेडकर के साथ नहीं थे, गुरु नानक को नहीं देखा, गुरु भगत सिंह को भी नहीं देखा, राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं देखा। आज क्या 5 साल क्षमता में रहने का बाद आप तैयार करेंगे कौन देश का सिटीजन है और कौन नहीं है? आप कौन है? आप कौन है? अगर एक सिटीजन का माफिक हम पूछे कि आप कौन है, नॉर्थ ईस्टर्न जल रहा है,
यूपी जल रहा है, बिहार जल रहा है, दिल्ली जल रहा है, और बीजेपी का लीडर लोग क्या बोलता है, हम खेल दिखाएंगे। कितना बड़ा खिलवाड़ है, कितना बड़ा खिलवाड़ है भाई, खिलवाड़ बन गया। कभी तो लड्डू भी नहीं खेला, लाट्टू भी नहीं खेला, कभी कबड्डी भी नहीं खेला, कभी तो हाडूडू भी नहीं खेला, फुटबॉल भी नहीं खेला, बड़ा बड़ा खिलाड़ी बन गया। बोलता हम दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, कौन तुम लोगों को चाहते हैं, कोई नहीं चाहते हैं। सब मिला के 38% तुम्हारा वोट मिला, लेकिन 62% तुम्हारा खिलाफ में है, ये भी समझो, ये भी समझो। सबको हटा देंगे, जो मर्जी करता है, को भी कहते हैं तुमको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अच्छा देखो, हम भी 7 MP थे, हम पार्लियामेंट में जाते आते एयर इंडिया ट्रैवल किया बहुत दफे, अभी जाता है तो बोलता है भेज मिलेगा नॉन भेज नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, लोगों ने सहा लिया, लोगों ने बहुत डाइजेस्ट किया है, ठीक है जो करते हैं करने दो, एक एक करके करके चुन चुन के, एक एक करके करके चुन चुन के, जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है सब कुछ किया। लेकिन वो सोचता है क्या कि हिंदुस्तानी लोग बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, इसका दिल बहुत बड़ा है, ये शांति प्रिय है, ये लोकतंत्र को मानता है, इसी के लिए जो भी मर्जी, खाली बीजेपी देश में रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आज वक्त कहता है, आज वक्त आ गया है, आज मानना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे मजबूत नहीं, सबसे मजबूत है, मजबूर नहीं है, तो मानो हिंदुस्तान रहेगा सारे जहां से रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा यूनाइटेड इंडिया रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा एकता रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा पंजाब सिंधु गुजरात मराठा जहां भी हो, उत्कल बंग, हर आदमी हर इंसान एक साथ में काम करेगा। और बीजेपी क्या दिखाते हो, अगर हर लोग हमें इकट्ठा हो जाए तो तुम कितना खेला दिखाओगे बाबा। अगर हिंदुस्तान का हर प्रांत एक साथ में हो जाए तो कितना खेला तुम दिखाएगा बाबा, कितना गोली चलाओगे, कितना जेल भरोगे। कभी कभी कोई इंसिडेंट होने से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कल देखा यूपी में बेचारा मर गया गोली में, पुलिस का गोली में, तो बोलता है चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी का, और गोली मारना चाहिए, उसको सब छीन के लेना चाहिए। ये क्या कोई बात है, इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है, सेम बोलने का भी मौका हमारे पास नहीं है। कोई लीडर लोग है कहते हैं गोली करके सब मर दो, स्टूडेंट लोग जामिया मिलिया में, चाहे आमू में अगर जादवपुर में हो, चाहे IIM में हो, चाहे IIT में हो, हॉट स्टूडेंट कम्युनिटी आपका मूवमेंट का साथ है तो उसको जाकर पिटा देता है, रात में जाके मरता है। एक आदमी हमारा ऐतिहासिक रामचंद्र गुह ने एक गांधी जी का फोटो लेके निकाला था, कैसा बेइज्जती उनका साथ भी किया है, शर्म का बात है, इसको शर्म नहीं लगता। अगर आज अटल जी भी जिंदा रहता ना तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे राजधर्म पालन करो, पहले जो राजधर्म पालन नहीं करता, आप देश में बैठे हैं और आप आग जलाते हैं। आप बैठ के देखो कि देश कैसे शांति में चलता है, आप वो नहीं देखा, आप देश में आग जला देता है और कहता है सबको हटा दो, सबको मार देंगे, सबको पिटाई देंगे, सबको गोली कर देंगे। कितना आदमी को गोली करेंगे, अगर ये मूवमेंट के लिए कोई
किया, अब मेरे को गोली कर दो, इंसान को गोली मत करो, मानविकता का गोली मत करो, इंसानियत को गोली मत करो, ऐसे नहीं चलता है। हम लोग एक साथ में रहते हैं, एक साथ में जिंदगी बनाता है, एक साथ में जिंदगी रक्षा करते हैं, एक साथ में दुर्गा पूजा जाते हैं, एक साथ में ईद में जाते हैं, एक साथ में बड़ा दिन में जाते हैं, एक साथ में खाना खाता है, एक साथ में सलाम कहते हैं, एक साथ में नमस्कार कहते हैं, एक साथ में सत श्री अकाल कहते हैं, एक साथ में हम नमस्कारिंदा कहते हैं, एक साथ में भड़क्कम कहते हैं। आज मेरे को बहुत याद आता है एक कविता का दो लाइन, इसी के लिए आया कि कवि ने कहा था कि जब तेरी खिदमत मेरी को जिंदगी करा है, लेकिन मैं जब जिंदगी का काबिल हुआ, तुझको देखभाल करने का काबिल हुआ, तो तू चल बसी। आज जो इंसान देश को प्यारा झंडा दिया, तिरंगा झंडा दिया, देश को मोहब्बत दिया, देश को प्यार दिया, देश को रिश्ता दिया, देश को सौंप दिया, आज कहते हैं तुम लोग सब भाग जाओ। कितना भागा है, कितना लोगों को भगाओगे, सबको भगाते भगाते पहले खुद भाग जाओगे, खुद ये लोग भाग जाएंगे। मेरे को तो कहना आता है कि देखो पंजाबी में एक कहावत है कि सार पड़ोसी का तमन्ना, सार पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। कभी कभी ये लोगों को देखते जब हम लोगों को थ्रेट करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ ये लोग कौन है, थ्रेट करके कहते हैं दिखा देंगे, एजेंसी भेज देंगे, बंगाल से हटा देंगे हम, पर तुम तो देश से पहले हटो, उसके बाद बंगाल का बात सोचोगे। कहना है ना इतना डरो मत। मैंने एक शायरी लिखा था, वो शायरी था बॉबी, वो शायरी बोल देगा, बॉबी बोलो तो क्या लिखा था, जस्ट बोलो, सुन लो क्या बोला। मैं मेरा को शायरी नहीं बोलता, तुम तो कब्र से डरते हो, मगर कफन मेरा इंतजार करता। मैं ये बात कहती हूँ इसी के लिए कि मेरे को ईश्वर में जैसा भरोसा है, इलाही में भी मेरे को भरोसा है, हमारा पंजाबी का साथ भी भरोसा है, गंग साहब का साथ, हमारा त्रिपिटक में भी भरोसा है, हमारा बाइबल में भी भरोसा है, हर धर्म का हर वर्ण का ऊपर मेरे को भरोसा है। मैं तो हर तरह कहती हूँ कुछ करके तो देखो, खुद ही को कर बुलाऊं इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलाऊं इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राजा क्या है। रविंद्रनाथ ठाकुर बोलेछिलेन आमी बांग्ला भाग होते देबो ना, जब देश था एक तब कहा था बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य होक हे भगवान। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के लिए लड़ाई किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राइट हैंड कौन था, शाहनवाज खान था। गांधी जी ने लड़ाई करा था, जब देश का आजादी हुआ है तो गांधी जी बेलियाघाटा में बैठे थे, हिंदू मुसलमान को कैसे शांति आए, एकता रहे। और ये लोग कौन है, ये लोग डराते हैं, देश को जलाते हैं, देश को बदनाम करते हैं। और देखना वो वीडियो देख के डरो मत, वो बीजेपी का एक प्लानिंग है, एक फेकू नेटवर्क बनाया, उसमें बहुत सारे रुपया देके फॉल्स वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को प्रोवोक करते।
आप लोग इसमें प्रोवोकेशन मत हो, प्रोवोक मत हो। वो चाहते हैं कि एक धर्म को अलग से बना दो। हम नहीं करने देंगे, हम सब एक साथ में हैं, हम सब एक साथ में हैं। बीजेपी समझो, कोई हमारा एक भाई बहन अलग से नहीं है, हम लोग एक साथ में जुड़ा है। एक साथ में खाएंगे, एक साथ में बैठेंगे, एक साथ में लड़ेंगे, एक साथ में चलेंगे, एक साथ में जीतेंगे, एक साथ में कामयाबी होंगे। आपका पास अभी हमारा सर्टिफिकेट लेना है कि हम देश का सिटीजन है या नहीं है। पहले आप बताओ, आप देश का सिटीजन का लायक हो और नहीं हो। उसके बाद सबको गाली दो। अरे भाई, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ सम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। याद रखना चाहिए। और हमरा बांग्लार लोग, हमरा जमन खुदा के सम्मान करी, पंजाबी के सम्मान करी, ख्रिश्चान के सम्मान करी, हिंदू बौद्ध शिखो जैन पारो शिखो मुसलमान ख्रिश्चानी, तेमनी मने रखबेन आमरा मा दुर्गा के कम देखिनी। भाई तुमी तुमार धर्म निये आसबे, डाक दिए जाई जागो दुर्गा, जागो दश प्रहरण धारिणी, अभया शक्ति बल प्रदायिनी, तुमी जागो जागो मा। सब धर्म, सब वर्ण, सब जाति একসাথে আসুন, মিলিত হয়ে বলি, নো ক্যাপ, নো কাকা, নো কাকা, নো এনআরসি, নো কাকা, নো এনআরসি। আমি এবার আপনাদের বলবো, আমরা কারা? আপনারা বলবেন নাগরিক। হাম কোন হ্যায়? আপ বলেগা সিটিজেন। হাম কোন হ্যায়? হাম কোন হ্যায়? আপ কোন হ্যায়? দেশ কা লোগো নে? দেশ কা কনস্টিটিউশন? লোকতন্ত্র মে? আমরা কারা? নাগরিক দোলা। আমরা কারা? আমরা কারা? আমরা কারা? নাগরিক। আমরা কারা? নাগরিক। লড়ছে কারা? নাগরিক। লড়বে কারা? নাগরিক। বিহারেতে? নাগরিক। উত্তরপ্রদেশে? নাগরিক। মির্জাপুরে? নাগরিক। লখনউতে? নাগরিক। জামিয়া মিলিয়া? নাগরিক। মহারাষ্ট্রতে? নাগরিক। বিহারেতে? নাগরিক। চেন্নাইতে? নাগরিক। দিল্লিতে? নাগরিক। বাংলাতে? নাগরিক। সর্বত্র মা বোনেরা? নাগরিক। ভাই বোনেরা? নাগরিক। হিন্দু মুসলমান? নাগরিক। শিখ খ্রিস্টান? নাগরিক। সব মানুষরা? নাগরিক। লড়ছে কারা? নাগরিক। বলছে কারা? নাগরিক। চলছে কারা? নাগরিক। রাজপথেতে? নাগরিক। গণতন্ত্রে? নাগরিক। সংবিধানে? নাগরিক। বিজেপির বিরুদ্ধে? নাগরিক। বিজেপির বিরুদ্ধে? নাগরিক। বিজেপির বিরুদ্ধে? নাগরিক। क्या बेनर्सी वापस लो, वापस लो, वापस लो। 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 क्या बेनर्सी लज्जा, क्या बेनर्सी लज्जा, लज्जा, लज्जा। क्या बेनर्सी लज्जा, लज्जा, लज्जा। बीजेपी लज्जा, लज्जा, लज्जा। दंगा बाजरा लज्जा, लज्जा, लज्जा। देशभक्तिया लज्जा, लज्जा, लज्जा। इंसान टुटकर जो लज्जा, लज्जा, लज्जा। बीजेपी छी छी, छी छी, छी छी। सीएबी छी छी, छी छी, छी छी। काका छी छी, छी छी, छी छी। क्या क्या छी छी, छी छी, छी छी। क्या क्या छी छी, छी छी, छी छी। क्या क्या छी छी, छी छी, छी छी। सीएबी छी छी, छी छी, छी छी। एनआरसी छी छी, छी छी, छी छी। एनआरसी छी छी, छी छी, छी छी। एनआरसी छी छी, छी छी, छी छी। बीजेपी छी छी, छी छी, छी छी। बीजेपी छी छी, छी छी, छी छी। बीजेपी छी छी, छी छी, छी छी। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा
দিন হবে, আমরা টাইম টু টাইম বলে দেবো। এবার বলো জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, সারে জাহান সে, আচ্ছা, সারে জাহান সে, আচ্ছা, সারে জাহান সে, আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা, 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 বঙ্গল আমারা, হিন্দু মুসলমান হামারা, সব শিখ খ্রিস্টান হামারা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় হিন্দুস্তান, জয় হিন্দুস্তান। লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। আই জিতেঙ্গে ভাই জিতেঙ্গে, জিতেঙ্গে, জিতেঙ্গে ভাই জিতেঙ্গে, হাম লোক জিতেঙ্গে, জিতেঙ্গে ভাই জিতেঙ্গে, হাম লোক জিতেঙ্গে, জিতেঙ্গে ভাই জিতেঙ্গে, সিটিজেন জিতেঙ্গে, জিতেঙ্গে ভাই জিতেঙ্গে, সিটিজেন জিতেঙ্গে, জিতেঙ্গে ভাই জিতেঙ্গে, সিটিজেন জিতেঙ্গে। আপ লোক কামিয়াবি হোঙ্গে, আপ লোক কোই নেই রুক সকতা হ্যায়, কোই নেই রুক সকতা হ্যায়, ইসকো ওয়াপাস লেনা হ্যায়, আর ওয়াপাস লেনাই পড়েগা, আগার নেই গিয়া তো বিজেপি কো জানে পড়েগা, এ চিজ দিমাগ মে রাখিয়ে। হামারা মুভমেন্ট চলেগা, জারি রহেগা, হামারা মুভমেন্ট হর দিন হর তারা চলেঙ্গে, মে বদবাকি জব তক এ ওয়াপাস নেই লেঙ্গে। খালি এক রিকোয়েস্ট হ্যায়, শান্তি সে কাম লেনা হ্যায়, হামারা মুভমেন্ট হাম কেতনা জোর করেগা, এ জিতনা শান্তি রহেগা ইতনা জোর সে হোগা, এ পতা চলনা চাহিয়ে। ইসিকে লিয়ে রোশনি চাঁদ সে হোতা হ্যায়, সিতারো সে নেহি, মহব্বত শান্তি সে হোতা হ্যায়, বিজেপি কা দঙ্গা সে নেহি, এ বাত ইয়াদ রাখো। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম, সালামু আলাইকুম, সত শ্রী কাল জি, ভাড়াক্কম, এবং সবাইকে খুব ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আমাদের আবার প্রোগ্রাম হবে, আজকে 20 তারিখ আছে, আজ 20th হয় না, 23 তারিখ আমার সব সাব ডিভিশন মে প্রোগ্রাম হ্যায় বাঙ্গাল মে, 24 তারিখ মে হাম স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তি সে হাম গান্ধীজি কা ভবন সব জায়গা, এই ইস্যু ইসকো বাতিল করনে কে লিয়ে। এসা হামারা 25 বড়দিন হ্যায়, ও দিন মে হাম কুছ নেই করেঙ্গে কি হামারা বড়দিন ফেস্টিভ্যাল হ্যায়। 26 তারিখ কো ফির হামারা খ্রিস্টান লোগো নে এক র্যালি নিকালেগা, আপ সুনা হ্যায়, ও নন পলিটিক্যাল করেঙ্গে, বহুত বড়িয়া বাত হ্যায়। 27 তারিখ কো হামারা হর ব্লক মে হ্যায়, বাঙ্গাল মে জিতনা 294 ব্লক হ্যায় সব জায়গা মে হোগা। ইসকা বাদ 28 তারিখ কো ভি ফির হোগা, ইসকা বাদ ডেলি জো মুভমেন্ট চলেগা, মে ইসকো আপকো বতা দেঙ্গে। আর হাম লোগ এক সাথ মে ঘর কা কাম ভি করেঙ্গে, খানা ভি খায়েঙ্গে, কাম ভি করেঙ্গে, লিখা পড়া ভি করেঙ্গে, আর মুভমেন্ট এক সাথ কে মিল কে করেঙ্গে, ইসমে হামারা কোই ফরক নেই হ্যায়। আগার জিন্দা রহেগা তো ইসকে ভি হাম দেখ লেঙ্গে, আগার জিন্দা রহেগা তো এ দেখ লেঙ্গে। এক বাত ইয়াদ রাখিয়ে, রাহা গুলশন তো একটা খিলেঙ্গে, রাহা গুলশন তো একটা খিলেঙ্গে, আর রাহা জিন্দেগি তো হর রোজ মিলেঙ্গে। আচ্ছা রইয়ে, সুন্দর রইয়ে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। আমরা এখানকার সমস্ত মানুষের